अगली खबर की ओर पढ़ते हैं। अगली खबर देहरादून से, यूके एसएससी के पदों पर हुए चयन को निरस्त किया गया है। 900 से अधिक पदों पर जो चयन हुए थे उन्हें अब निरस्त कर दिया गया है। हाई कोर्ट ने मामले में याचिका जो दायर याचिका थी उस पर सुनवाई की। सरकार और आयोग से जवाब तलब किया है। अब 4-5 दिसंबर 2021 को परीक्षा 7 अप्रैल को की गई थी। परीक्षा परिणाम घोषित करीब 1.5 लाख अभ्यर्थियों ने ही परीक्षा दी थी। 916 पदों पर अभ्यर्थियों का चयन हुआ। चयन के बाद उनके सर्टिफिकेट का सत्यापन हुआ, लेकिन पेपर लीक होने के बाद मुकदमा दर्ज करते हुए सभी नियुक्तियां निरस्त की गई हैं। देहरादून से ही खबर, यूके एसएससी के पदों पर जो चयन हुए थे उनको निरस्त कर दिया गया है। 900 से अधिक पदों पर चयनित जो लोग हुए अब, लेकिन उसको सभी को निरस्त किया गया है। हाई कोर्ट ने इस मामले की जो याचिका दायर की गई थी उस पर सुनवाई की और उसके बाद ये फैसला निकलकर सामने आया। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सोनू हमारे साथ लगातार बने हुए। सोनू, यूके एसएससी पदों पर हुए चयन को निरस्त कर दिया गया है, हालांकि अब जो है पेपर लीक के बाद मुकदमा दर्ज कर दिया गया, लेकिन जो नियुक्तियां हो गई थी उनको अब निरस्त किया गया है, क्या कुछ अपडेट? देखिए पूनम, इस खबर से जुड़े कई ऐसे पहलू हैं जिनका अभी पूरी तरह से जवाब नहीं मिल पाया है, क्योंकि मामला कोर्ट में पहुंच गया। कोर्ट ने सरकार से और आयोग से जवाब तलब किया है। साफ तौर पर सरकार को और आयोग को अपना पक्ष रखना होगा। तमाम ऐसे अभ्यर्थी हैं जो इन परीक्षाओं से जुड़े हुए हैं, जो अपने सुनहरे भविष्य की तलाश कर रहे हैं। ऐसे में जिन छात्रों ने, जिन अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी है कड़ी मेहनत करने के बाद और उसके बाद परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है और उनका चयन कर लिया गया, और जिन चयन करने के बाद जब परीक्षा परिणाम घोषित करने के बाद इन अभ्यर्थियों के सर्टिफिकेट का सत्यापन भी कर लिया जाता है, उसके बाद परीक्षा निरस्त कर दी जाती है। क्योंकि मामला पेपर लीक का सामने आ जाता है, और जब पेपर लीक का मामला सामने आ जाता है तो उसमें मुकदमा दर्ज किया जाता है, और जब मुकदमा दर्ज किया जाता है तो इस पूरे के पूरी प्रक्रिया पर सवाल खड़े हो जाते हैं। ऐसे में जिन छात्रों ने कड़ी मेहनत करके परीक्षा दी है वो अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं और कहीं ना कहीं वो मायूस हो रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि उनका चयन कर लिया जाए, क्योंकि मामला गड़बड़ झाले में फंस गया है। और जब ये पूरा का पूरा मामला मुख्यमंत्री के संज्ञान में आया तो मुख्यमंत्री ने इसमें गंभीरता बरती और एसटीएफ को इसकी जांच सौंपी, और जैसे ही एसटीएफ ने यूके ट्रिपल एससी मामले में जांच की तो तमाम पेपर लीक में तमाम लोग संलिप्त पाए गए और जो आरोपी इसमें सामने आए उनको सलाखों के पीछे पहुंचाया गया, और उसके बाद जांच पड़ताल अभी भी लगातार जारी है। कुछ मामलों में एसटीएफ ने अपनी चार्जशीट है वो भी दाखिल कर दी है, क्योंकि मामला कई पहलुओं से जुड़ा हुआ। हालांकि मुख्यमंत्री के निर्देश पर जो यूके ट्रिपल एससी उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है, इस आयोग के माध्यम से कराए जाने वाली परीक्षाओं को लोक सेवा आयोग के सुपुर्द कर दिया गया था, और उसके बाद लोक सेवा आयोग ने जब अब इस साल की पहली परीक्षा आयोजित कराई तो वो भी फर्जीवाड़े में शामिल होती हुई नजर आई, क्योंकि लोक सेवा आयोग के एक गोपन विभाग के अधिकारी संलिप्त पाए गए और उनको भी एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया। तो अब जो स्टूडेंट्स हैं, जो अभ्यर्थी हैं, उनकी के वो ना उनकी जो इच्छा है वो पूरी नहीं हो पा रही है, और कहीं ना कहीं उनका जो विश्वास है वो अब लोक सेवा आयोग से भी कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये जो पूरा का पूरा मामला है, चाहे वो यूके ट्रिपल एससी हो, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग या लोक सेवा आयोग हो, इनके माध्यम से जो परीक्षाएं कराई जानी है ये पारदर्शी तरीके से हो, स्वच्छ तरीके से हो, इसमें पुलिस का इन्वॉल्वमेशन हो, और अब ये परीक्षा जो हो रही है इनमें पेपर लीक जैसे मामले सामने ना आए, सरकार ये फोकस कर रही है। और दूसरी तरफ जो स्टूडेंट्स हैं वो खास तौर पर जिन्होंने ईमानदारी से परीक्षा को दिया है वो मायूस नजर आ रहे हैं। और तीसरा पहलू इसका ये है कि जो विपक्ष के नेता हैं वो लगातार सरकार की घेराबंदी कर रहे हैं, सरकार पर सवाल खड़ा कर रहे हैं और विरोध प्रदर्शन कर सीबीआई की जांच की मांग कर रहे हैं। जी पूनम जी, बिल्कुल सोनू, बने रहिएगा आप हमारे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास।